हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक इन माय यूट्यूब चैनल हैकर ज्ञान। आज हम बात करने वाले हैं कैसे आप अपने लैपटॉप में रैम को अपग्रेड कर सकते हैं। मेरे पास लैपटॉप है सोनी का, सोनी वायो। इसमें इंटेल i3 का प्रोसेसर है जो कि सेकंड जनरेशन का है और इसमें पहले से 4GB रैम है। तो इसको अपग्रेड करना है 4 से 8 में। तो हम आपको हर एक स्टेप बताएंगे कैसे कैसे आपको अपग्रेड करना है। लेकिन सबसे पहले हम आपको एक मिनट ये बता देते हैं कब, मतलब कि कब आपको अपग्रेड करना है और कैसे उसका, मतलब कि सिलेक्ट करना है रैम। तो उसके लिए मैं बता दूं, अगर आपका रैम 70% से ज़्यादा यूज़ होता है नॉर्मल यूज़ में, तो आपको अपग्रेड करना कर लेना चाहिए ताकि आपको परफॉर्मेंस अच्छा मिले। और अपग्रेड करने का सबसे पहला तरीका है कि आप जो है सबसे पहले आप अपने सिस्टम के स्पेक्स में देखिए कि आपका जो रैम है वो कौन सा है, DDR3 है या DDR4 है। अगर DDR आपको पता चल जाता है कौन सा है, 3 है या 4 है, मान लेते हैं मेरे सिस्टम में DDR3 है, तो आपको चाहिए कि आप इसका फ्रीक्वेंसी पता कीजिए। इसको पता करने के लिए सिंपली आप अपने मदरबोर्ड का मॉडल देख सकते हैं क्या है, तो इससे पता चलेगा कि आपके इसमें कौन सा लगेगा, स्पीड क्या लगेगा। जैसे अगर हम बात करेंगे तो मेरे लैपटॉप में 1060p सपोर्ट करता है और 1333 MHz भी सपोर्ट करता है। मतलब कि ये जो है दोनों से कंपैक्टेबल है। मतलब कि 1060 वाला भी हम लगा सकते हैं मेगाहर्ज और 1333 MHz का भी लगा सकते हैं। तो मेरे पास ही आज रैम है ये, इसका फ्रीक्वेंसी है 1033। इसका अच्छा फ्रीक्वेंसी है, आप देख सकते हैं। ये है आपका 4GB का रैम और इसमें 4GB पहले से लगा हुआ है। तो फ्रेंड्स, हम इस वीडियो को शुरू करते हैं, लेकिन आपको पहले बता दें आप इस वीडियो को लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आने वाले टाइम में मैं और भी अच्छे से वीडियो आप तक ला सकूं, चाहे हैकिंग से रिलेटेड हो या फिर किसी एडुकेशनल पर्पज से, यानी कि जैसे ये हुआ प्रैक्टिकल वीडियो जिसपे आप अपने घर में खुद से आप इसमें अपग्रेड कर सकते हैं। इससे क्या होगा, आपको इन्फॉर्मेशन भी मिलेगा और आपका पैसा भी बचेगा। तो हम वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले आपको ये लैपटॉप लेना है और इसको उल्टा करना है, लेकिन इससे पहले आप नीचे कुछ बिछा लीजिए, मोटा पेपर या कुछ भी ऐसा चीज़ होना चाहिए, कपड़ा, जैसे मैं कपड़ा का यूज़ कर रहा हूँ। तो इससे क्या होगा, आपके डिस्प्ले पे जोर नहीं पड़ेगा। अब आपको लेना है सबसे पहले स्क्रू ड्राइवर, सिंपल सा स्क्रू ड्राइवर लेना है और आपको देखना है कौन सा आपका है। तो उसके लिए सबसे पहले मैं आपको यहाँ ले आता हूँ। तो फ्रेंड्स, देख सकते हैं ये मेरा लैपटॉप का ये रैम वाला बॉक्स है। तो इसमें हमको सिंपली कुछ नहीं करना है, इसको पहले ओपन करना है स्क्रू ड्राइवर से। तो ये पूरा ओपन हो गया, इसको आराम से इसको निकाल लेना है। इसको निकाल के यहाँ पे बस राइट करके इसको पोछ पोछ देने का है ताकि ये साफ। आप इसमें देख सकते हैं ये 4GB का रैम पहले से लगा हुआ है। ये है सैमसंग का, ये भी काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस देता है। तो इसको हम पहले पोछ देते हैं कपड़े से। अब हम इसको इंसर्ट कर देंगे। ठीक है, और ये न्यू रैम है, ये एडाटा का है, ये भी 4GB का है। तो हम इसको इसमें लगाएंगे। ठीक है, लगाने से पहले आपको ध्यान रखना है, पोस्ट देना है। और ये स्लॉट जो है मेरा थोड़ा सा टाइट हो रहा है, उसका रीज़न है कि ये खाली स्लॉट है, यानी कि जब से मैं लैपटॉप लिया हूँ इसमें कोई भी रैम यूज़ नहीं किया हूँ, तो इसमें मैं लगा दिया हूँ। इसको आप भी एक दो बार लगाएँ और खोलें, लगाएँ और खोलें, इससे क्या होगा, ये आपका वर्क करेगा, नहीं तो वर्क नहीं करेगा। ज़्यादातर कंप्यूटर में ऐसा होता है कि जब आप फर्स्ट टाइम रैम लगाते हैं खाली वाले स्लॉट में, तो वो काम नहीं करता। उसका रीज़न है कि इसमें डस्ट बहुत ज़्यादा लग जाता है, इसीलिए इसको पहले आपको लगाना है और इसको खोलना है 2-3 बार। अगर नहीं वर्क करे तो फिर से निकालिए और इसको लगाइए, इससे तब चांस बढ़ जाता है वर्क करने का। तो मैं इसको लगा दिया हूँ, अब सिंपली हमको बस इसको पैक कर देना है। ये हो गया है टाइट। अब हम इसको चेक करेंगे ये सपोर्ट किया कि नहीं किया।
तो फ्रेंड्स देख सकते हैं यहाँ पे 8GB रैम हो गया है, यानी कि ये आपका वर्क कर चुका है। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो आप इसको लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि आने वाले टाइम में मैं और भी अच्छे अच्छे वीडियो आप तक लाता रहूँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।